इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से आ रही है, जहां पर पिकअप एंड ड्रॉप फैसले को लेकर पिछले एक महीने से लगातार कांग्रेस युवा अध्यक्ष, जो कि पिछले एक महीने से धरने पर बैठे हुए थे और पिछले 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे, आज रेलवे के अधिकारी ने इस बात का कांग्रेस चंडीगढ़ जो अध्यक्ष मनोज लुबाना को आश्वासन दिया कि दो लोग आपकी तरफ से और कुछ लोग हमारी तरफ से एक कमेटी बनाएंगे, जो कि कुछ लोग हमारी तरफ से होंगे और एक महीने इस बात की निगरानी करेंगे कितनी देर गाड़ियों को निकलने में वक्त लगता है। सुनिए आश्वासन मिलने और धरना खत्म करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मनोज लुबाना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं आप हमें भी कुछ जचा है, ऐसी बात नहीं है। उससे अगर लोगों की मुसीबत हल होती है तो उसके बाद एक महीने के बाद वो 23 तारीख को वो कमिटमेंट करके गए हैं। दो लोग हमारे डाले हैं, बाकी लोग वो होंगे, एक ट्रायल करेंगे। 23 तारीख को जो टाइम फाइनल होगा वो टाइम आगे रखा जाएगा इसका। नहीं तो अभी जो आप उन्होंने दिया है तो क्या आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन आप बता दें कि क्या आश्वासन आपको दिया गया है। यही दिया है उन्होंने भी, अगली 23 तारीख को 23 जनवरी को जो ट्रायल में टाइम फिक्स होगा वो हम करेंगे, वरना 23 तारीख को जो ऑफिसर आए थे उनके घर के बाहर धरना लगाएंगे। तो किस ट्रेन के ऊपर आप लोग देखेंगे, मतलब सुबह की या शाम की? सर वो हम आपको बता देंगे, कभी सुबह कभी शाम दोनों की देख लिया करेंगे। तो क्या रनिंग टाइम मतलब रहेगा इसके ऊपर आप लोग की तरफ से? मीडिया जो भी है हमें बताएंगे, आपको हम डेली के डेली अपडेट करते रहेंगे। तो अब जो आपकी भूख हड़ताल थी आप खत्म करेंगे या चलेगी? चलेगी, नहीं खत्म होगी सर, भूख हड़ताल खत्म कर दी आपने। क्या कहेंगे आज चंडीगढ़ प्रशासन को, जनता को क्या कहेंगे? सबसे पहले मेरे यूथ कांग्रेस साथियों का और मेरी कांग्रेस पार्टी का और मेरे चंडीगढ़ के लोगों का और मेरे यूनिवर्सिटी के साथियों का सबका और मेरे मीडिया के साथियों का, जिन्होंने मतलब इतना विश्वास जीता है मेरा मीडिया के साथियों ने, मैं उनका कभी एहसान नहीं भूलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ये लड़ाई जीतने के लिए आप सबका सहयोग है। मैं तो यहाँ बैठा था चलो, और आप लोग भी डेली अप डाउन वो सब लोगों ने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।